यस मैम। ठीक है, कल हमने मनी कॉस्ट स्टडी किया था, अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? कोई चांस आना आपके पास, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ऐसे समझो, एक एग्जांपल से। सपोज एक फार्मर हो, उसके पास एक खेत है, फील्ड है उसके पास। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उसमें राइस की खेती करें या फिर वीट की। ठीक, तो उसमें क्या होगा, सपोज उसने राइस चूज किया और वीट को उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो जो सेक्रीफाइस किया उसने किसको, वीट को, तो वो जो कॉस्ट थी, वो कॉस्ट थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया समझ में? यस मैम। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो अपॉर्चुनिटी जो चली जाती है, हम दो ऑल्टरनेटिव्स में से जब एक ऑल्टरनेटिव हम चूज करते हैं, तो जो कॉस्ट लॉस्ट हो रही है, सॉरी, जो इनकम हमसे लॉस्ट हो रही है, जो अपॉर्चुनिटी हम गवा रहे हैं, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आया समझ में तीनों को? प्रशांत, समझ में आया यस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब? और ना, आप जब बुक्स वगैरह पढ़ेंगे मैम। ना, उसमें एग्जाम्पल भी यही दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है एक अपॉर्चुनिटी को लॉस्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्लियर कट लिखा रहता है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, सपोज हम एक वायर कमोडिटी उसको प्रोड्यूस करें, तो ये एक चीज याद रखना, वही इनपुट्स, इनपुट्स मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो हम एक में ना लगा के हम दूसरे में लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक डायग्राम बनेगा, बता रही हूँ, देखो। जैसे यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं अपन ऐसे, डायग्राम बना लेना आप लोग साथ साथ, और ना ये इक्वल रखना, क्योंकि जब मैं क्या है ऑनलाइन इसमें बना रही हूँ सिस्टम में, तो आगे पीछे हो सकता है। आप लोग मार्जिन इसमें ना इक्वल ही रखना हर चीज की। ये जैसे ये मुझसे बीच बीच में गैप हो जाता है, तो आप लोग ये गैप वाला काम नहीं करना। ये देखो, तो इस पे क्या होगा, सपोज आप लोग ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को इसको ओ दे देना। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इसको के कर दो, ये हो गया K1। बस इसमें मेन होता है यहां से लेकर इस, ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट को ये ऐसे ये टच करवा देना है उसमें। मेरे से तो आज सिस्टम में होगा नहीं, ये ऐसे, बस यही था इसमें मेन। तो जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें मैंने बना दिया वीट, और ये वाले पोर्शन को मैंने अगर रख लूं सपोज राइस। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को देखो, मैं रेड लाइट से फॉलो कर रही हूँ ये, तो अगर मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो ये वाला मेरा लॉस्ट हो जाता है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ये रेड स्पॉट में लिखा है ना, के से K1 के मिड में इसको वीट लिख लो, और इसको राइस लिख लेना। नंबरिंग आप मार्किंग कुछ भी कर सकते हैं इस पर, तो ये हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट कॉस्ट देखो, अब आप लोग मनी कॉस्ट हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, अब नेक्स्ट देखो इसमें रियल कॉस्ट।
थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। तो रियल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो सारी पेमेंट्स जो हम एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करते हैं। सिंपल, द पेमेंट्स मेड टू द पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू कंपनसेट फॉर द, हम उनको कंपनसेट करते हैं, टू कंपनसेट फॉर द, टू कंपन टॉयल एंड एफर्ट्स इन रेंडरिंग देयर सर्विसेस, टॉयल्स एंड एफर्ट्स इन रेंडरिंग देयर सर्विसेस। तो ये हो गया रियल कॉस्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हाँ, अभी हम कुछ डायग्रामेटिक में से देखेंगे। जैसे हमने रिवेन्यू का देखा था अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में, वैसे ही हम इसका भी देखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो मैं फिर से रीड कर रही हूँ, जो लोग लेट से ज्वाइन करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है ये जो डायग्राम बन गया है। अगर हम एक प्रोडक्ट चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके बदले में हम दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस। सपोज मैंने एक फार्मर का एग्जांपल दिया था, जिसे उसको एक राइस और वीट दोनों का क्या करना है, खेती करनी है। तो राइस के बदले में वो वीट का अगर करता है, या फिर वीट को हटा के अगर वो राइस की खेती कर रहा है, तो वो जो हटा रहा है, वो जो अपॉर्चुनिटी को, वो जो हटा दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, फिर रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, जैसे अपना लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और फिर एंटरप्रेन्योर है, उनको जो हम पेमेंट करते हैं, वो हो जाती है अपनी रियल कॉस्ट। ठीक, अब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी टोटल कॉस्ट दो टाइप में पार्ट्स में डिवाइड करूंगी मैं इसको। एक फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, देन सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा इसमें। ये भी दो पार्ट्स में आ जाएगा इसमें, जिसे आप लोग नोट करते चलो साथ साथ में। जो टोटल कॉस्ट है, सपोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में देखो, एक सेकेंड बताती हूँ मैं आपको विद डायग्रामेटिक में से। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये अब है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिखूं तो एक हो जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और एक हो जाएगी इसमें टोटल एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दो टाइप्स के, एक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या होगा। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको मैं अब टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, और सेम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो इसमें जो मैं फर्स्ट करूंगी वो होगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और एक होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर देखा जाए, इसमें भी एक होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जब किसी फर्म में किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो ऐसी कॉस्ट जिसमें चाहे प्रोडक्शन कितना भी बढ़ जाए उसकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी। सपोज पहले वो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है और अब वो 15,000 का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उस 10,000 प्रोडक्शन में से जब 15,000 का प्रोडक्शन है तो कॉस्ट तो बढ़ती है ना गुड्स की, लेकिन ऐसी कॉस्ट चाहे हम 10,000 प्रोडक्शन करें चाहे हम 15,000, या फिर हम 10,000 से सीधा 5,000 पे आ जाए या 7,500 पे आ जाए, तो ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो वो कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं होता है, चाहे हम प्रोडक्शन को कम करें या हम प्रोडक्शन को बढ़ा दें, वो कॉस्ट पे कोई असर नहीं होगा, ऐसी कॉस्ट हो जाएगी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। और सेम वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी उसके कंपैरिजन में, जो पर यूनिट पे डिपेंड करती है, वो कॉस्ट जो पर यूनिट पे डिपेंड कर रही है, जैसे कि एक यूनिट की कॉस्ट है 1.5 रुपए, तो अगर हम 10 चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 1.5 करो, 10 × 1.50 अगर हम करते हैं उसमें तो कितना आएगा बताओ, 15, 15 15 आएगा। तो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ वो कॉस्ट वेरी करते जाती है, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट मींस ऐसी कॉस्ट। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट में एक चीज याद रखना कि अगर फैक्ट्री बंद भी हो रही है ना कुछ टाइम के लिए तो भी वो कॉस्ट लगेगी, अब प्रोडक्शन चाहे अब 0 ही क्यों ना हो गया हो, ठीक है, जैसे कि गोडाउन का रेंट वगैरह हो जाता है, चाहे अभी 1 महीना काम नहीं चलेगा फिर भी वो कॉस्ट तो हमको देनी पड़ती है। तो ऐसी कॉस्ट जो होती है उनको हम बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करते जाती है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जैसे ही जैसे एक एक क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उसकी कॉस्ट में डिफरेंस आते जाएगा। तो ये टोटल है और उसका हम जब एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज हो जाएगा। एवरेज निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना, एवरेज कैसे निकलता है करके? हाँ बताओ, एवरेज निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना किसी को? नो मैम, ठीक है, तो एवरेज मैंने बताया है टोटल में से डिवाइड करना। अब एक ग्राफ करेंगे अपन, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का करेंगे और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक? तो एक ग्राफ बनाओ साथ साथ में, ये किसी को नोट करना है, किसी का छूटा है तो जल्दी से नोट कर लो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में आ जाती हूँ। क्लियर करूं? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो, एक चार्ट बनाएंगे अपन जल्दी से, आप लोग उसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में करेंगे ना, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बनेगा और नीचे अपन बनाएंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। आउटपुट लो और फिक्स्ड कॉस्ट लो, है ना, यूनिट ऑफ आउटपुट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लो, और फिर से यूनिट ऑफ आउटपुट लो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट लो, जल्दी से इधर पे ले लो यूनिट ऑफ आउटपुट और यहाँ पे ले लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसमें ये सपोज एज्यूम करो तो सपोज जब 0 आउटपुट है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है अपनी, 200। मैंने बताया ना आउटपुट कितना भी आ जाए अपनी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इसमें सेम ही रहेगी। देखो आउटपुट बढ़ते जा रहा है पर ये कॉस्ट चेंज नहीं होती है, तो भी कितना है ये 200 ही रहेगा सेम। 4 है तो भी 200, अगर 5 है तो भी 200, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे कि हो गया यूनिट ऑफ आउटपुट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखो इसमें
यहाँ पे सेम बनाएंगे अब, यूनिट ऑफ आउटपुट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे जीरो यूनिट्स हैं तो ये चेंज होते जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी जीरो, लेकिन अगर एक है तो उसकी कॉस्ट कितनी हो रही है 40। नेक्स्ट अगर दो है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है 60। फिर तीन है तो ये हो जाएगा अपना 80। फिर अगर फोर है, ये आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, है ना, बिल्कुल जैसे बता रही हूँ सेम कट टू कट ऐसे बनाएंगे आप लोग। और अगर पांच है तो ये आ जाएगा 180। देखो ये कॉस्ट चेंज होते जा रही है जैसे जैसे एक एक यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ते जा रहा है। देखो आउटपुट है मींस जो चीज प्रोडक्शन हो रही है ना, आउटपुट की बात हो रही है। अब इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में अगर हम डालेंगे फर्स्ट वाले का, तो देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब सपोज यहाँ पे मैं लेती हूँ एक 100 का और यहाँ पे मैं लेती हूँ एक 200 का सपोज, है ना, ये 200 और ये हो गया मेरे पास इसका 100, है ना। और यहाँ पे देखो ये तो जीरो है, ये वन, ये टू, ये थ्री। चलो प्लॉट करो आप लोग, मैं प्लॉट नहीं कर पाऊंगी आज, सिस्टम के साथ कर रही हूँ मैं। किया प्लॉटिंग की, स्ट्रेट लाइन बनी क्या सबकी, बताओ। अगर yes, मैं इसको जीरो दे दूं, है ना, फिर इसको वन कर दूं, तो इधर देखो ये वन, फिर ये क्या हो गया टू, देखो थ्री, ये हो गया मेरा फोर, ये हो गया मेरा फाइव। नेक्स्ट देखो इसमें, तो देखो प्लॉटिंग कैसे होगी, ये देखो जीरो पे भी फर्स्ट वाले का 200, तो यहाँ पे फिर वन पे भी कितना है 200, टू पे भी, थ्री पे भी, फोर पे भी और फाइव पे भी, ये देखो। तो ये मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन बनी एक सारे पॉइंट्स को मिला के, तो ये बन गई अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो स्ट्रेट। इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम है, बताओ। नो मैम, नो मैम, सेम इसमें बनाओ अब, ये वेरिएबल कॉस्ट वाले में बनाओ सेम। ये ऐसे बनेगा एक, है ना, तो देखो 20, 30, 40 ये इसमें ऐसे बना सकते हो, 20, 40, 60, 80, 100, 110 ऐसे करके बना लो जल्दी से। देखो ये हो गया जीरो, फिर ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और ये 180, ऐसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो चलो बनाओ जल्दी से ग्राफ बनाओ।
ये 20 हो गया, ये 40, ठीक है, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, ये हो गया 120, ये हो गया 140, ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा 160, और ये हो जाएगा अपने पास 180। सेम नीचे ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5। चलो प्लॉटिंग करते चलो जल्दी जल्दी, बहुत इम्पोर्टेंट है ना और बहुत सिंपल है। 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक। तो देखो 0 में कितना लिया है, 0, फिर 1 पे कितना लिया है मैंने, 40 लिया है, तो देखो ये 1 पे 40 पे लिया, फिर देखो सिंपल सा डॉट लिया है, 2 पे देखो मैंने क्या लिया है 60, तो देखो ये 2 पे ऐसे 60 आ रहा है, फिर 3 पे मैंने क्या लिया है यहाँ पे 80, फिर 4 पे क्या लिया है देखो 120, ये 4 पे आया है 120 और 5 पे आ रहा है 180 एकदम। ये देखो एकदम ना ऐसे कर्व जैसे डांस नहीं करते है, उस टाइप का एकदम एकदम डांसिंग पोजीशन पे बनती है ये वाली कर्व, देखना ऐसे करके ये एकदम ऐसे, देखो कुछ इस टाइप की आती है, आई क्या इस टाइप की, अगर आप लोगों ने प्लॉटिंग अच्छे से की होगी तो, क्योंकि मेरी प्लॉटिंग थोड़ी सी गड़बड़ वाली है आज। Yes, ma'am. कुछ इस टाइप से आई ना इसकी कर्व, एकदम अलग टाइप से बनी, डांसिंग कर्व बोलती हूँ मैं इसको, आप लोग लिखना बस एग्जाम में डांसिंग कर्व, ठीक है, समझने के लिए है ये। ये देखो एकदम अलग ही शेप बनता है इसका, ये प्लॉटिंग आया समझ में, कुछ इस टाइप से बनती है ये, वो नीचे से बनेगी जीरो से, मैं जीरो से बना नहीं पाई उसको, यहाँ से ये जीरो से अगर आप लोग लेते ना, ये कुछ कुछ यहाँ से कुछ लेते एकदम सेंटर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, तो यही था कॉस्ट में, अब नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट में एक चीज देख सकते हो, डू नॉट चेंज विथ चेंज इन क्वांटिटी, देखो दोनों डायग्राम को देखो, देखो अच्छे से, ये देखो क्वांटिटी बढ़ते जा रही है पर ये क्या चेंज हो रहा है, नहीं, तो डू नॉट चेंज विथ द चेंज इन क्वांटिटी, और जस्ट इसके अपोजिट वेरिएबल कॉस्ट देखो चेंज होते जा रहा है विथ द चेंज इन द क्वांटिटी, और ये देखो ये लॉन्ग रन के लिए है तो ये शॉर्ट रन के लिए है, याद रखना, आ रहा है समझ में, देखो। और अगर आउटपुट इसमें जीरो है तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी है, और इसमें देखो जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, इसका मतलब अगर फैक्ट्री बंद होगी तो वेरिएबल कॉस्ट में कुछ असर नहीं होगा, लेकिन अगर फैक्ट्री में बंद हो रही है और आउटपुट नहीं है तो भी हमको ये 200 रुपए भरने हैं, आ रहा है समझ में डिफरेंस इसका। यस मैम। अब इसके एग्जांपल देख क्या हो सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के, पता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, लाइसेंस फीस हो गई, जो प्लांट और मशीनरी की कॉस्ट है तो वो हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा, लेकिन जब हम वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे ना तो क्या हो जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो फैक्ट्री बंद है तो एक्सपेंस नहीं लग रहे, तो ये है अपना फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब कल नेक्स्ट क्लास में अपन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे, समझ में आ रहा है, इसी डायग्राम पे इसको संभाल के रखना। अब देखो जैसे ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो समझो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, बताओ थोड़ा सा मेरे को, जैसे इसका एवरेज अगर मेरे को निकालना है तो कैसे होगा, देखो एवरेज कैसे निकलता है, मैंने सिखाया है ना आप लोगों को, टोटल वाले में से उसको क्या कर देते हैं अपन, यूनिट को डिवाइड कर देते हैं, तो करके देखो डिवाइड कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सपोज, तो 200 को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा,
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनता है, पता है इन्फिनिटी वर्ड? देखो एक yes, है ना, अब मैं वो एट बनाऊं उल्टा कैसे बनाऊं आप इसमें, तो आज सिस्टम नहीं है मेरे पास बनाने के लिए। ये देखो सपोज ये हो गया अपना इन्फिनिटी हो गया, फिर नेक्स्ट अगर मैं 200 को डिवाइड कर दूं किससे, वन से, तो क्या आएगा 200, ठीक है। फिर 200 को मैं डिवाइड कर दूं टू से कितना आएगा 100, फिर 200 को मैं डिवाइड कर दूंगी किससे 3 से, तो कितना आएगा 66.6, ठीक। फिर वही 200 को अगर मैंने डिवाइड किया किससे 4 से, तो मेरा आंसर आएगा 50 सेम, और 200 को मैं डिवाइड करूंगी 5 से तो ये आ जाएगा मेरा 40। तो ये आ गया मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना, शॉर्टकट लिख रही हूँ ए एफ सी करके। तो देखो थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ हो गया, फिफ्थ पॉइंट कहाँ गया इसका, हाँ ये कुछ इस टाइप से रहेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना ना आज। नेक्स्ट देखो इसमें, तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनेगा। देखो मेरे स्पॉट को फॉलो करो, इसका पुट करके देखना अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जीरो के पॉइंट पे इन्फिनिटी तो लगा नहीं पाओगे, फिर वन पे कितना आ रहा है देखो 200, तो चलो अगर मैं इसी में ही प्लॉट में फिक्स करती हूँ, इसको मैं रफ करती हूँ इस वाले को, ये देखो अगर मैं इसको मैम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, हाँ डाउनवर्ड बनेगा नीचे की तरफ, अगर किसी ने बनाया हो ध्यान से तो देखो जीरो पे तो इन्फिनिटी आ रहा है, मैं पुट नहीं कर पाऊंगी। अब आप लोग सोचो ये वन पे मेरा 200 आ रहा है, ये वन है ना, यहाँ पे मेरा 200 आया सपोज ये, ठीक, और टू पे कितना आ रहा है मेरा देखो 100, ठीक, फिर थ्री पे कितना आ रहा है मेरा देखो 66.6, तो कहीं पे यहाँ पे होगा नीचे यहाँ पे, फिर फोर पे कितना आ रहा है मेरा 50 ये होगा, और फाइव पे कहाँ आ रहा है मेरा एकदम थोड़ा सा 40, ये देखो तो ऊपर से नीचे की तरफ बन रही है ये कर्व, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे बना। और जब अपन मार्केट सिचुएशन पढ़ेंगे तो इसमें लिख लेना कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व होती है वो कैसे बनती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, और इसका एक नाम होता है, अगर कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट होगा ना 11th 12th में तो उसने पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पढ़ा है ये वर्ड, सुना है कोई मैथ्स वाला स्टूडेंट था? नो मैम नहीं थे, कोई नहीं, इसको एक वर्ड बोलते हैं ये कर्व का नाम होता है, ठीक। तो अब रहा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हम वेरिएबल कॉस्ट एवरेज ये रखना साथ में, हम इसको कल डिस्कस करेंगे हम, ठीक, ये फिक्स कॉस्ट हो गया, अब अपन कल वेरिएबल कॉस्ट इसमें करेंगे, आया समझ में? यस मैम।